Yes, a very good morning to all of you. First of all, open up your books at page number 226. Some questions from book and some examples we will discuss. Then I will teach the extra questions, right? क्योंकि book के question भी कुछ जो हैं वो board के paper के questions हैं और कुछ examples भी. Page number 226 पे question number 4th देखो. Question number 4, calculations I will leave, just will tell you the concept and accordingly you will listen. Chaliye, question number 4, wheels of a car are of diameter 80 centimeter. Diameter of the wheel of the car is given to be 80 centimeter. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is running at the speed of 66 kilometer per hour? 10 minutes mein kitni revolution wheel jo hai wo banayega. तो अगर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, इन द अदर वर्ड्स वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये हम फाइंड करना चाहते हैं कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में. अगर हम इनके इसके फॉर्मूले की बात करें, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के फॉर्मूले की, आपको पता है नंबर ऑफ एनीथिंग व्हेन वी वांट टू फाइंड देन वी डिवाइड द टोटल थिंग बाय ईच, राइट? इफ आई हैव 50 नोटबुक्स एंड आई हैव टू गिव 5 नोटबुक टू ईच स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट विल गेट द नोटबुक? 10 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को 5 नोटबुक्स देनी है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल गेट द नोटबुक? 10 स्टूडेंट. सिमिलरली आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट, तो मुझे सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा 10 मिनट का, ओवर डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन. 10 मिनट्स में व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस फाइंड करके जब हम उसको 1 रेवोल्यूशन के डिस्टेंस के साथ डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. नाउ 10 मिनट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, एक मिनट मुझे बताओ 66 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग क्या है, कितने स्पीड तो है पर इसमें कुछ डिस्टेंस का पता चल रहा है आपको? 66 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 1 आवर में डिस्टेंस कितना हुआ? 66 किलोमीटर. हमारा क्वेश्चन मिनट्स में है, तो लेट अस कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मिनट्स. 1 आवर मींस 60 मिनट्स. 1 मिनट, हाँ जी, 1 मिनट के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60, एंड वी वांट टू फाइंड इन, ये किलोमीटर है, ठीक है? 1 मिनट में 66 किलोमीटर ओवर 60, एंड वी वांट टू फाइंड इन 10 मिनट्स 66 किलोमीटर into 10 over 60. यूनिटरी मेथड यूज करते हुए 10 मिनट का जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर है. सो जो न्यूमिरेटर है वी हैव प्रिपेयर्ड, नाउ वी विल फाइंड द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर है डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन. किसी व्हील का 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस क्या होता है विनीत? उसका सरकमफ्रेंस, राइट? तो वी विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस. दिस इज 2 पाई आर, दैट इज 2 इनटू 22 बाय 7, आर इज डी बाय 2, दैट इज 40. हाँ, क्या कर लेते, पाई डी कर लो. हाँ, पाई डी भी ठीक है. सो दिस विल बी 1760 ओवर 7 सेंटीमीटर्स. नाउ this distance that we have find, it is in terms of centimeter and this distance in term of kilometers. So let us convert this kilometers in terms of centimeter. First of all, let me convert it into meter. Kilometers converted into meters, 1000 ke sath multiply, and meters converted into centimeter into 100. Ye ban gaya centimeter, right? Now this is the total distance that the wheel is going to cover in 10 minutes. This is the distance covered in 1 revolution. When you will divide this total distance by the distance of 1 revolution, you will get the number of revolution. That means yahan pe aap put karoge 11 along with 5 zeros divided by 1760 over 7. Solve it. I think 4375 will be the number of revolutions, right? ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड.
that whenever we want to find the number of revolution, we need to have the total distance over distance in one revolution. That total distance in how much time? जितने टाइम में आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है, अगर 10 मिनट्स में फाइंड करनी है तो डिस्टेंस विल बी इन द 10 मिनट्स, राइट? जितने टाइम में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, उतना टोटल डिस्टेंस ओवर द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन. एंड व्हेन यू आर डूइंग द डिवीजन, द यूनिट शुड बी द सेम. सो दैट्स व्हाई आई कन्वर्टेड दिस किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर, राइट? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आइए. ओनली द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल आई विल लाइक टू टेक. Question number third, 12.2 exercise. 12.2 question number third. Length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Minute hand ki jo length hai, wo humare paas 14 centimeter di hui hai. This is the center, and we want to find the area swept by this minute hand in 5 minutes. Maan lo 5 minutes ke baad minute hand yahan se yahan tak pahunch jati hai. तो ये जो एरिया ये बना रही है, कवर कर रही है, कि इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, माइनर और मेजर? माइनर सेक्टर. व्हाट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्रप्रीत? देख लो, दो छुट्टियां थी, हमने फॉर्मूले नहीं लर्न किए. कैसे पेपर देना आपने? दिस इज नॉट समथिंग टू लाफ. थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. Now you know whenever we want to find the area of a sector, we need two things, theta and radius. Radius सबको clear है यहाँ पे, जो हमारे इस minute hand की length होगी, that will be replaced by radius. आप negligible करते हैं उस distance को. So इस radius को हम 14 centimeter लेंगे and we want to find theta. Theta अगर ये पूरा घूमती है 360 degree, तो कितना theta? नहीं, अगर 60 मिनट्स पूरा घूमती है तो कितना थीटा बनाती है? 60 डिग्री बनाती, 360 डिग्री बनाती है अगर पूरा घूमती है, यानी कि 60 मिनट्स घूमती है. यूनिटरी मेथड लगाओ, 1 मिनट में 60 डिग्री, और हमें कितने मिनट में चाहिए? 5 मिनट्स में. तो 5 मिनट्स में कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री. अब एक चीज मैं बता दूं, आपके पास जो टाइम है वो कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे उसने 5 मिनट बोला, इट कैन बी 10 मिनट 60 मिनट, एनी थिंग. यू शुड नो द मेथड. 60 मिनट में 360 डिग्री यूनिटरी मेथड से 1 मिनट का आया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके 5 मिनट्स का आया. यू आर हैविंग थीटा विद यू. थीटा इज 30 डिग्री ओवर 360. पाई की वैल्यू रिप्लेस करो, आर इज विद यू, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. कैलकुलेशन आई एम लीविंग दिस टाइम. चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन. Horse is tied to a pole. One corner of the square grass shaped field, side 15 meter, with a rope of 5 meter. Area of the part of the field in which horse can graze. ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, वहां पे ये पूछा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट वेयर हॉर्स कांट ग्रेस. यहाँ पे तो है ना कि फाइंड द एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेस. तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये जो हॉर्स है अपनी रोप को कितना खींच सकता है? 5 मीटर तक. अगर इससे ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा तो रस्सी टूट जाएगी, ठीक है, और ऐसे घूमेगा. यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, बाहर उसके लिए कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है, और यहाँ तक. तो व्हेन ही विल डिस्क्राइबिंग, ही विल मूविंग लाइक दिस विद अ रोप ऑफ 5 मीटर लेंथ, द एरिया वेयर ही विल बी ग्रेजिंग दैट विल फॉर्म अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 meter, right? So the area where the horse can graze, this is equal to area of the quadrant. What is the area of the quadrant? Saksham mein hai. Quadrant ka area nahi aata. Circle ka area kya aata? The quadrant ka. Ek minute. 100 ka fourth hissa kya aata? 1/4. Kitna hoga? 25. To circle ka area agar pi r square, to quadrant ka. आप लोगों ने कैसे पेपर देने हैं, मुझे ये नहीं समझ आती. मैंने बोला था कि फॉर्मूले लर्न करें, हंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है, बी सीरियस, पेपर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज 1/4 इनटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज 1/4
22/7. What is R here? 5 square. This is the area where the horse can graze. अगर पेपर में आता है what will be the area where horse can't graze? तब आप क्या करोगे? स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया क्या कर दोगे? माइनस. That will give you the area where the horse can't graze. Second part ऐसे ही अपने आप करोगे. Question number 9. Look at 9th question. Broach is in the circular form made up of the 5 diameters. 5 diameter से बना broach equal parts में divided है. थोड़ा सा फिगर ऐसा बना बन गया कि इक्वल नहीं लग रहे वो. ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. आप बड़े खुश हो कि इक्वल नहीं लग रहे तो इक्वल कर दें. इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम टाइम है, बहुत चीजें रिवाइज करनी है आपने, राइट. ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल विद डायामीटर 35 mm. सो डायामीटर कितना दिया हुआ है? 35 mm. दिलप्रीत जी बोर्ड की तरफ देख लो. Yes, wire is also used in making the 5 diameters which divides a circle into 10 equal sectors. सबसे पहले तो उसने ये पूछा कि इस पूरे ब्रोच को बनाने के लिए कितनी वायर लगेगी. सो आपने खुद इमेजिन करना है कि कहाँ कहाँ वायर लगी हुई है. एक तो बाउंड्री पे वायर है, एक अंदर 5 diameters है उनपे वायर है. प्रप्रीत लुक एट द बोर्ड. बाउंड्री वाली वायर को अगर हमने लेंथ निकालनी हो दैट विल बी इक्वल टू वॉट? Circumference, that means 2πr plus 5 diameters and 5 × 35 mm, right? This is the diameter of the circular wire. So diameter आपके पास है, radius आप निकाल लोगे वहां से, pi की value put करके you will get the length of the wire, ठीक है? Second part देखो, area of each sector of the circle. Whenever we are talking about the sector, we need theta as well as radius. हमें theta and radius चाहिए होता है. Radius प्रकृति यहाँ पे कितनी है? आपका दिमाग आज क्लास में नहीं है and you have to admit this. 35/2. जब डायमीटर हमारे पास 35 है तो रेडियस कितना हो गया? 35/2. I'm telling you, be very sincere towards your studies. This time the things are not going to be as easy as it seems to be. Diameter is 35. रेडियस अभी तक ये नहीं पता कि क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है. 35/2, दिस इज द रेडियस, राइट. सो वी वांट टू फाइंड सेक्टर्स एरिया. क्या होता है सेक्शन में? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला थीटा बाय 360 × πr². कैन यू टेल मी थीटा ऑफ दिस सेक्टर कितना है? थीटा 60. किसने बताया? अभी कहां से? मुझे भी सिखा दो जरा. 60 कैसे बने? सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना? कंप्लीट एंगल 360. और ये टोटल एंगल कितने बराबर इस समय बचा हुआ है? 10. तो 360/10 थीटा कितना आ गया? 36 डिग्री. आपका 60 यहाँ पे हमारे पास 36 डिग्री थीटा आया. सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर दिस विल बी इक्वल टू θ/360 × πr² थीटा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 36/360. पाई की वैल्यू यू कैन रिप्लेस एंड आर इज विद यू. सॉल्व एंड गेट द आंसर. मैं एक चीज बता दूं, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कुछ और बन के तो वहां से यही नहीं पता चलना कि थीटा क्या है. तो क्या अगर इक्वल सेक्टर जो है 10 ना होके कुछ और होंगे तब कैसे करेंगे? 20 होंगे तो कैसे करेंगे? इसको 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझो बेटे, चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी नहीं तो. चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. आप बताओगे सक्षम में है, बी रेडी. 10th क्वेश्चन. एन अम्ब्रेला इज हैविंग 8 ribs विच आर इक्वली स्पेस्ड. ऐसे नहीं, गलत है. एक ऐसे 8 ribs हैं, 4 आगे एंड 4 बैकवर्ड, ठीक है? व्हाट इज डन?
this umbrella is converted into a flat. Question number 10. Flat उसको surface में convert कर दिया गया, eight ribs को ऐसे दिखा दिया गया. जब उसको फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया गया तो जो रेडियस होगी, पहले तो ईच जो हमारे पास रिब है दैट विल बिकम द सेक्टर, वो सेक्टर बन जाएगा. ठीक है, अब मुझे सेक्शन में है बताएगा कि इस सेक्टर का रेडियस क्या होगा और थीटा कितना होगा. 360 अपॉन, चलो एक बात तो आपने बहुत अच्छे से बता दी, दैट थीटा विल बी 360 ओवर 8. ठीक है, दैट इज 45. कैन यू टेल मी द रेडियस? 45 अपॉन 2. बुक देख लो बेटे एक बार, रेडियस 45 सेंटीमीटर, थीटा भी आपके पास 45, रेडियस भी 45. निकालना क्या है हमें केशव? रिक्की बुक ही नहीं है हमारे पास, देयर इज योर बुक. इतनी आजादी मना ली बुक में कि आपने उसको आजादी कर दिया कि जा. सजल एक मिनट, हाँ जी, उसको बिटवीन टू रिब्स, ये रिब्स हैं, इनके बीच का एरिया सिर्फ एक माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर विद थीटा 45 एंड रेडियस 45. ठीक है, कर लोगे आगे अपने आप. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11. A car has two wipers which do not overlap. Right? Each wiper has a blade of length. आप एक बेंच आगे आ जाओ. अब आपकी बुक कहाँ है? आजादी, फ्रीडम दे दी उसको भी. चलो बुक लेके आया करो बेटे प्लीज. ठीक है, चलो. Two wipers, they are sweeping the area in front of the car. Each wiper is having a blade of length 25. हर एक वाइपर की जो लेंथ है ब्लेड की दैट इज 25 सेंटीमीटर, एंगल है 115 डिग्री एंगल. मींस कि दिस वाइपर व्हेन इट इज स्वीपिंग इट कैन मूव टिल द एंगल ऑफ 115, इससे ज्यादा मूव करेगा तो टूट जाएगा. तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं इट विल बी लाइक दिस एंड इट इज अगेन अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, माइनर सेक्टर विद थीटा 115 एंड रेडियस 25. यहाँ पे इसने क्योंकि सजल पूछा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द टू ब्लेड्स, टू वाइपर्स, इसमें आप एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको टू से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सिमरप्रीत? एक मिनट, हाँ फॉर्मूला बताओ. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो. हाँ जी, देयर इज अ राउंड टेबल कवर विच इज मेड अप ऑफ सिक्स डिजाइंस एट द सर्कमफ्रेंस. रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर. सपोज दिस बी द सेंटर, सो रेडियस इज 28. Radius is given to be 28. Find the cost of making the design at a rate of 0.35 per centimeter square. इस डिजाइन को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? This is the question. First of all, we have to find the area which is including in the designs. इन डिजाइन के बीच में एरिया कितना आ रहा है पहले हमने ये देखना है. Each design, this is chord, this is arc. Chord और arc से क्या बनता है? सक्षम है सेक्टर. तो रेडियस और arc से क्या बनता है? Chord and arc, they make an segment. This is segment, this is again an segment, and everywhere segment. And Karthik, are these segments identical? एक जैसे हैं क्या? इन तो इनकी रेडियस कितनी है? 28. शाबाश. And what about theta? 360 by 6.
Here angle is 360. We have divided into six equal parts. So theta will be 60 degrees. Hanji or Simran, what is the area of the minor segment formula? R square. Upon 360 minus into cos theta upon. ऐसे बेटे जब मैंने डिराइव करवाया था मैंने बताया था इसका फॉर्मूला ऐसे होता है 1/2 साइन थीटा ये एक्चुअली 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है तो ये साइन थीटा बन जाता है आरडी में ये दिया हुआ 1/2 साइन थीटा बट आई यूज इट लाइक दिस मैं इसलिए ऐसा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि थीटा कई बार 120 हो जाता है हाफ होके आपको ईजी हो जाएगा हाँ इक्विलेटरल का एरिया भी ले सकते यस हाँ वैसे कह रहे हैं कि 120 वाला एंगल जो है डिलीटेड है बट वी आर कवरिंग द रिस्क कुछ नहीं पता होता सो यही बेटर है क्योंकि इसमें अगर थीटा ज्यादा हो गया तो हाफ करके आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी इसलिए ये करवाते होते हैं ठीक है दिस इज द माइनर सेगमेंट एरिया ऐसे कितने सेगमेंट है साइड पे 6 सेगमेंट है तो सारे एरिया के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई अच्छा सक्षम है इतना करने के बाद क्या आएगा ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद व्हाट वी विल गेट एरिया ऑफ ऑल द सेगमेंट हाउ टू फाइंड द कॉस्ट कॉस्ट भी पूछी ना उसने कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे हाउ टू फाइंड द कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.35 विल गिव यू द कॉस्ट ठीक है अब जरा आइए पेज नंबर 231 पे एग्जाम्पल नंबर 4 231 एग्जाम्पल 4 टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है ये Two circular flower beds have been shown on two sides of a square ABCD of length 56. There is a square ABCD जिसकी लेंथ हमारे पास 56 मीटर. Center of each circular flower bed is the point of intersection O, the diagonals of the square. ये है सर्कुलर फ्लावर बेड जो कि स्क्वायर की साइड पे बनाए गए सर्कुलर फ्लावर बेड्स दे हैव बीन फाउंड ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर सेंटर ऑफ दीज बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन दो सर्कुलर नेचुरली अगर कोई चीज सर्कुलर है उसका कोई सेंटर होगा सेंटर क्या है जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सर्कल्स का क्या है सेंटर सेम है दोनों जो फ्लावर बेड है वो आइडेंटिकल है ठीक है एक अपर साइड ऑफ द स्क्वायर एक लोअर साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ दीज फ्लावर बेड्स नाउ ही सेज फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स दीज आर द फ्लावर बेड्स सर्कुलर फ्लावर बेड्स ये फ्लावर बेड है और बीच में लॉन है हमें दोनों के एरियाज का सम फाइंड करना है सबसे पहले वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड देखना जरा ध्यान से एज वी ऑल नो दैट अ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन अ एंड द कोर्ट इज नोन एज सेगमेंट मोर ओवर दिस इज द माइनर सेगमेंट राइट सो माइनर सेगमेंट है अपर साइड भी एंड लोअर साइड भी दैट मीन्स इसका एरिया होगा आर स्क्वेयर फाइव थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 यही एरिया लगेगा दैट मींस वी नीड थीटा एंड रेडियस एज फार एज थीटा इज कंसर्न्ड दिस इज अ सेंटर एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द कोर्ड सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वही थीटा होता है एंड पॉइंट ऑफ द कोर्ड्स आर एबी दे आर मेकिंग एओबी विद द सेंटर एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर 90 डिग्री तो थीटा हमने जज कर लिया यहां पे 90 That is the angles between the diagonals of the square.
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द रेडियस. हम इसका जो है वो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखना जरा ध्यान से. आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल यहां से उठा लो. सपोज मैंने ये लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. एंड इन पाइथागोरस थ्योरम कैन यू टेल केशव विक्की दैट इन ए ओ बी हु इज हाइपोटिन्यूस. ए बी 90 की ऑपोजिट हाइपोटिन्यूस. सो हाइपोटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. Right? Is it okay? And now this AB is the side of the square 56 square. And you know when we are looking at the properties of the diagonals of the square, we know that the diagonals of the square are equal. So their parts, their half parts will also be equal. So ye OA square, OB square, they will be same. So maine 2 OA square likh diya. Theek hai? Because my target is to find radius. This is radius. अब calculations थोड़ा ध्यान से करेंगे हम. This is 56 into 56 is equal to 2 into OA square. I'm telling you why I'm doing this calculation in this way. Just a minute, wait. 56 into 56 over 2 is equal to OA square. This is 28 into 56 is equal to OA square. Instead of finding the value of OA, I'm finding the value of OA square. Because when I will use the formula, I need R square. R means OA square. So why to find OA? We need OA square in formula. हमें radius का square चाहिए होता है formula में. So instead of finding R, I am finding OA square. Kartik, is it clear? ठीक है, चलिए put करते हैं इसमें. R square का मतलब हमारे पास radius है. That is OA square. Pi 22/7, theta we all know 90, 360. साइन 90/2 साइन 45, कॉस 90/2 कॉस 45. दिस इज द एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओए स्क्वायर, पुट करो कितनी है. 28 इंटू 56, ये रही ओए की वैल्यू, ओए स्क्वायर की वैल्यू रहा था, मैंने पुट कर दी यहाँ पे. दिस इज द एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड और हमें कितनों का चाहिए, 2 का. बट वी विल डू multiply it by 2. Doing the calculations, you will get the area of the two flower beds. One is upper side of the square and another is lower side of the square. You want to find the area of the flower bed plus lawn. But what kind of shape this lawn is having? Square shape. So this area, ye jo area aapne find kiya, isme add karoge area of the square. What is the area of square? Side square. That means plus 56. पूरे क्वेश्चन का की पॉइंट एक ही है कि ये जो सेगमेंट्स हैं इनके एरिया के लिए यू नीड थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स 90 डिग्री, एंड यू नीड रेडियस. रेडियस वी आर फाइंडिंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आर, वी हैव फाइंड आउट आर स्क्वायर. व्हाई सो? बिकॉज आई नीड आर स्क्वायर इन द फॉर्मूला. तो मैंने कैलकुलेशंस बड़े ध्यान से की, ठीक है. तो ये पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल होगा क्योंकि जब एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो टिपिकल चीजें अगर आप उसी वे में करोगे तो आपका बड़ी आसानी से आंसर जो है वो मैच कर जाए, ठीक है. हाँ जी, कौन से सेक्टर्स? ये लॉन है, हाँ ठीक है. और ये सेक्टर है, दिस इज सेक्टर. अच्छा ये आप कह रहे हो ये, अच्छा ट्राइंगल की साइड है और रेडियस हाफ ऑफ द साइड हो जाएगी. देखो, देयर इज वन मोर वे राघव इज सजेस्टिंग, आई थिंक दैट इज इजियर. देख लेते हैं, आपको जो ठीक लगेगा कर लेना. राघव इज सेइंग कि इसकी साइड को हटा दो तो आपके पास ऊपर भी सेक्टर बन गया, नीचे भी. पर रेडियस तो तब भी निकालना ही पड़ेगा सेक्टर का. हाँ, ये कैलकुलेशन नहीं होगी, पर रेडियस आपको सेक्टर का फिर निकालना पड़ेगा.
ऊपर वाले सेक्टर का एरिया, नीचे वाले सेक्टर का एरिया, और उसमें से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या कर दो, माइनस। अब ट्राइंगल के एरिया में क्या लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा 56 एंड हाइट कितनी होगी, हाइट आधी ऊपर आधी नीचे 28। ठीक है, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है आप कर लो। पहले वाला ज्यादा इजी था क्या, ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, इस पिछले में ट्रिग्नो लग रही है, इसमें एरिया लग रहा है, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लेना। वो हाँ वो भी आ जाए, वहां से भी आ जाएगा, इजी हो जाएगी। ये कार्तिक ने और बोला कि स्क्वायर का डायगोनल निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द रेडियस। बट वही है कि मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर निकालना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मुझे आर स्क्वायर को रिप्लेस करना था। दैट इज ऑल्सो वन वे, यू फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब किसी तरह से हमें रेडियस पे पहुंचना है। ठीक है ना, बस एनी वे। चलिए लुक एट एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 234 एग्जाम्पल 6। बेटे प्लीज, देर इज नथिंग टू लाफ अबाउट, एवरीथिंग इज टू सीरियस अबाउट। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन in the given figure where ABCD is a square, ABCD is a square of side 10 centimeter. देखना ध्यान से, here it is semicircle, another semicircle, upper part semicircle and the lower part semicircle. Right, left, upper, lower पे semicircles को बना के we are getting a design. And we want to find the area of this design. देखो, इस डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये जो पोर्शन है, लेट मी मार्क देम, 1 and 2, दिस इज 3 and 4. इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस डिजाइन, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस अनशेडेड एरिया फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया में से, हाँ जी, स्क्वायर के एरिया में से वी विल सब्ट्रैक्ट 1, 2, 3 and 4। तो सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4 को निकालते हैं। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड 1 plus 2, यानी कि 1 और 2 का एरिया, पूरी फिगर में से अगर मुझे 1 और 2 का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, पूरे स्क्वायर में से व्हाट आई शुड सब्ट्रैक्ट, ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल, साइड वाले सेमी सर्कल्स को माइनस कर दो पूरे स्क्वायर में से, ऐसे व्हाट विल बी लेफ्ट, 1 plus 2, राइट। स्क्वायर का एरिया हुआ 10 square माइनस एरिया ऑफ 2 semicircles, 2 semicircles विल बिकम अ 1 circle, दैट मींस माइनस पाई आर कितना होगा, पूरी साइड 10, पूरा डायमीटर 10, तो रेडियस आई थिंक पाई इज 3.14। और इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट इट टू बी 78.5। ये आ गया आपके पास 1 plus 2। सिमिलरली व्हेन यू गेट 3 plus 4, जस्ट अ मिनट वेट, डोंट क्लोज योर नोटबुक्स, लेट अस कंप्लीट इट। इतना कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा प्रप्रीत, आप जो रोने वाली सूरत बना रहे। जब हम 3 and 4 की बात करें, सेम वे में पूरे स्क्वायर में से जब ये 2 circles निकलेंगे, सेम आ जाएगा, इनटू 2 कर दो चाहे, 3 plus 4 का एरिया भी हमारे पास 78.5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। पूरे स्क्वायर के एरिया में से व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस 1, 2 एंड 3, 4, यू विल गेट द एरिया ऑफ द डिजाइन।
स्क्वायर का एरिया 100 एक मिनट अच्छा टू से मल्टीप्लाई करते ये 78.5 दोनों का नहीं ठीक है इन दोनों को जब आप ऐड करोगे एरिया फाइंड करके यू विल ऐड दिस टू कलेक्टिवली इट विल बिकम 78.5 राइट तो आप स्क्वायर के एरिया में से 1, 2, 3, 4 निकला वी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ द शेडेड दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर द बोर्ड पेपर्स क्वेश्चन सो प्लीज माइंड इट वेरी सीरियसली डू इट ऑन योर कॉपी एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल सात्विक अंशिका आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर 21st एक्टिविटी अंशिका इज गिविंग द पॉजिटिव रिएक्शन वेर इज सात्विक सात्विक नो रिएक्शन फ्रॉम योर साइड सात्विक सात्विक कैन आई नो दैट वेयर वट अबाउट द एक्टिविटी दैट हैज बीन असाइन टू यू सात्विक आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ जस्ट गिव मी पॉजिटिव रिएक्शन सात्विक अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो सात्विक चलो एनी हाउ विल कॉल यू लेटर